हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो अपने व्हाट्सएप के फॉन्ट साइज को बढ़ाना। आपके व्हाट्सएप पे जो भी फॉन्ट का साइज है दोस्तों, वो थोड़ा छोटा छोटा नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो तो इसके साइज को बढ़ा सकते हो। फॉन्ट के साइज को कैसे बढ़ाना है या फिर घटाना है, आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बस आप बने रहो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों चलते हैं हमेशा की तरह अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। और दोस्तों आपको आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए, दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, आप किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हो तो उसका फॉन्ट का साइज है, देख सकते हो यहां पर कुछ इस तरह से नॉर्मल रहता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, कोई भी मैसेज लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह का इसका साइज है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो इसका साइज बढ़ाना, आप यहाँ पर देख सकते हो, इससे ज़्यादा आप करना चाहते हो सो आप कर सकते हो। आपको इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको सिंपल सा दोस्तों राइट साइड में सबसे ऊपर की तरफ आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा, सो सिंपल सा आपको ये 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा दोस्तों सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स का। सो आपको यहाँ पर सिंपल सा ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल सा थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट्स का। तो आपको सिंपल सा ये चैट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर चैट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल सा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉन्ट साइज का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको सिंपल सा ये फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा स्मॉल, मतलब सबसे छोटा, एंड दोस्तों दूसरा मीडियम, जो कि अभी मीडियम साइज है। और दोस्तों अगर आपको साइज बढ़ाना है फॉन्ट का, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर लार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर लार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा बैक आ जाना है। सो मैं यहाँ से बैक आता हूँ, एंड कुछ इस तरह से यहाँ से बैक आना है। एंड बैक आने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ फॉन्ट साइज बढ़ा या नहीं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक चैट पे गया, एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉन्ट का जो है साइज बढ़ चुका है, देख सकते हो आप, इतना बड़ा साइज नहीं था। तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रोसेस है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से अपने व्हाट्सएप में फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बताया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।